फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग। जैसे कि आप देख रहे हैं एक जो पैक ऑफ कार्ड्स हैं उसमें टोटल चार किंग्स होते हैं, जिसमें दो किंग्स ब्लैक हैं और दो किंग्स रेड हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग इज़ 2/52। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द पैक इज 52 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2, बिकॉज देर आर ओनली 2 रेड किंग्स इन ए पैक ऑफ कार्ड्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग इज 2/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, फेस कार्ड्स देर आर 12 फेस कार्ड्स इन ए पैक ऑफ कार्ड्स और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पैक में कितने हैं 52। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 हैं और फेवरेबल आउटकम्स जो कि फेस कार्ड्स हमसे पूछा गया है, तो फेस कार्ड्स हैं 12, जिनमें 4 कार्ड किंग के हैं, 4 क्वींस के हैं और 4 जैक्स के हैं। तो टोटल फेस कार्ड इज 12 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज 52। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड इज 12/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द पैक इज 52, सो टोटल आउटकम्स इज 52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स जो होते हैं वो 12 हैं और रेड फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं 6, सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी हो गई 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी हो गई 52। तो इट विल बी 6/52, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड इज 3/26 और टोटल रेड फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट्स, ये जो जैक ऑफ हार्ट है ये एक फेस कार्ड है, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं और जैक ऑफ हार्ट्स ओनली वन जैक ऑफ हार्ट्स, ओनली वन जैक ऑफ डायमंड, ओनली वन जैक ऑफ स्पेड, सो सिर्फ एक जैक ऑफ हार्ट्स हमारे पास होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 1 और टोटल आउटकम्स कितनी हो गई हैं 52, क्योंकि जो पैक ऑफ कार्ड्स है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल आउटकम्स 52 और फेवरेबल आउटकम्स जो कि जैक ऑफ हार्ट है वो 1 है, तो 1/52 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द पैक इज 52, सो टोटल आउटकम्स इज 52। गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड, सो क्वीन ऑफ डायमंड्स हमारे पास कितनी होती हैं, डायमंड के टोटल 13 कार्ड हैं और क्वीन ऑफ डायमंड हमारे पास सिर्फ एक ही होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 1, टोटल आउटकम्स 52, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/52, 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल आउटकम्स और 1, क्योंकि जो हमारे पास डायमंड की क्वीन है वो सिर्फ एक ही होती है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स हैं पैक के अंदर, जिसमें क्लब है, डायमंड है, हार्ट है, स्पेड है, हर टाइप के 13 कार्ड्स हैं, 13 क्लब के, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के और 13 स्पेड के, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 13, क्योंकि स्पेड के टोटल 13 कार्ड्स हैं हमारे पास और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं पैक में 52, सो फेवरेबल आउटकम्स मीनिंग गेटिंग ए स्पेड इज 13, क्योंकि स्पेड के 13 कार्ड्स हैं और टोटल आउटकम्स इज 52, क्योंकि पैक में 52 कार्ड्स हैं, सिंप्लीफाई करके 1/4, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड इट विल बी 1/4। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लास 10th के अंदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रेपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।